थ्योरी में ये आ सकता है, डेरिवेशन में, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ को यूज करो और बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। मेरे हिसाब से तो दो लाइन का काम है जो यहाँ पे किया हुआ है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, इफ एफ इज इक्वल टू जीरो तो पी इज अ कॉन्स्टेंट, डन। भाई यही है, तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, इसमें एफ को जीरो किया, पी कॉन्स्टेंट कर दिया, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। लेकिन आप ये लिख नहीं सकते ना, दो नंबर में आ गया, तीन नंबर में आ गया, क्या करोगे, बस ये लिख के आओगे, आधा नंबर मिलेगा, फिर टीचर बोलेगा लिखना नहीं आता आपको, तो आप क्या करेंगे उसमें, थोड़ा इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि हम कंजर्वेशन मोमेंटम किस सिस्टम के लिए लगाते हैं जो आइसोलेटेड होते हैं, तो कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो ये ऐसा सिस्टम है ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल, और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मान लो एन। हमने हालांकि एग्जाम्पल दो पार्टिकल के साथ किया, पर वैसे पार्टिकल एन भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपने ये लिखना है, मान लो एन पार्टिकल्स के मासेज कितने हैं, एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम एन, वेलोसिटीज कितनी हैं, वी वन वैक्टर वी टू वैक्टर वी थ्री वैक्टर अप टू वी एन वैक्टर, तो मोमेंटम वैक्टर क्या होगा, टोटल मोमेंटम वैक्टर सभी पार्टिकल्स का क्या होगा, एम वन वी वन वैक्टर एम टू वी टू वैक्टर अप टू एम एन वी एन वैक्टर। तो ये लीनियर मोमेंटम हो गया, या फिर पी वन वैक्टर पी टू वैक्टर पी थ्री वैक्टर अप टू पी एन वैक्टर। ये भी क्लियर है यहाँ तक, कुछ भी कुछ नया नहीं किया, ये तो लिखने की कलाकारी और कुछ भी नहीं है, और इसको सिंपल लैंग्वेज में ड्रामेबाजी भी बोलते हैं, थोड़ा करना पड़ता है, कैसे मैंने लिखा था, उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इतने सारे मोमेंटम्स हैं, और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आपने बोलना है इन सभी पार्टिकल्स के ऊपर एफ वेक्टर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम है, तो आप ये न्यूटन का सेकेंड लॉ लिखें, फिर एंड में लिख दें पी एफ इज इक्वल टू जीरो तो पी इज अ कॉन्स्टेंट, और पी वैक्टर किसके इक्वल है, वैक्टर सम ऑफ पी वन वैक्टर पी टू वैक्टर पी थ्री वैक्टर इज अ कॉन्स्टेंट, डन, हो गया। ये एक्सप्लेन करके लिख दिया, तो एक्चुअल में तो कुछ ना किया, एक्चुअल में तो बस वही चीज़ की जो मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन लिखने का तरीका समझ में आ रहा है। तो कल को अगर लिखने को आ जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, तो आपने ये चीज़ों को लिखना है, और ये तरीका है लिखने का, फॉर्मल तरीका बोलते हैं इसे, ठीक।